भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश को राहत पैकेज सामग्री भेजी है। मंडी में ये सामग्री पहुंच गई, जिसका वीरवार को भाजपा राज्य महामंत्री एवं विधायक सुंदरनगर विधायक बल व विधायक द्रंग के हाथों से ये सामग्री जिलाधीश मंडी को सौंपी गई, जिसमें ऑक्सीजन मास्क, पीपी किट, पल्स ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड, N95 मास्क और थर्मल स्कैनर आदि शामिल है। इस मौके पर भाजपा महामंत्री एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश को राहत सामग्री भेजने का वे आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सामग्री जिला प्रशासन के सपोर्ट की गई है और जिला में जहां भी जरूरत होगी इसका वितरण किया जाएगा। इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को भेंट की गई सामग्री के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का वे आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो सामग्री भेजी गई है वो स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी, जिसके बारे में प्रशासन ने हिमाचल सरकार को भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकें। जी सर, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की तरफ से हमारे लिए कुछ सामान जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। पूरी पार्टी की तरफ से भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं इनका पूरी बीजेपी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें कि बहुत से सामान हैं जो यहाँ पर लोकली इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि रेगुलेटर्स भी हैं, उसमें कुछ NRM मास्क हैं जिसकी शॉर्टेज चली हुई है और उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। हिमाचल में विशेषता ये उपलब्ध नहीं है। इसके लिए रिक्वेस्ट भी की थी, स्टेट की तरफ से भी रिक्वेस्ट की थी कि बाहर से कहीं से उपलब्ध हो जाए तो वो सामान हमारे पास आ जाए, तो हम यहाँ पर जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमने फैसिलिटीज़ बना रखी है, वहाँ पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ, उनकी देखभाल कर पाएँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। दिल्ली से विशेष तौर पर हमारे लिए यहाँ पर जिला मंडी में आए हैं, जिसे हमने जो नई फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की है, चाहे राधास्वामी की फैसिलिटी है यहाँ पर LR में या हमारा जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज है, इनकी जो व्यवस्था है इसको सप्लीमेंट होगा और ज़्यादा लोगों को हम इसमें एडमिट कर पाएंगे। ज़्यादा बेड्स जो है वो रेगुलेटर्स की वजह से ज़्यादा बेड्स को हम एक्टिवेट करके ज़्यादा लोगों को एडमिट करके उनकी जो है उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो मैं सबका इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। ऑक्सीजन बैंक एक हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, जिस ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से जो ऑक्सीजन से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, चाहे कुछ मास्क हैं या पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, जो चीज़ें मास्क तो रीयूज नहीं हो पाएंगे, बट जो चीज़ें रीयूज हो सकती है वो हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोगों के पास अगर सरप्लस है, अगर नहीं है, नए हैं तो वो डोनेट भी कर सकते हैं, अगर उनके पास सरप्लस हैं, अगर उनका काम हो गया हो तो वो हमें दे दें ताकि किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उसको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। ऑल द फंड्स हमारे पास है पर मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो चीज़ जो कॉन्सेंट्रेटर्स और इस तरह की चीज़ें, रेगुलेटर्स हैं और ऑक्सीमीटर्स हैं, अगर लोकली अवेलेबल है तो हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। अलग अलग हमने स्थान दिए हुए हैं, ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं जिसमें कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन के पश्चात हम रेड क्रॉस के माध्यम से जहाँ ज़रूरत है वहाँ के लोगों के लिए उसको मोबिलाइज करा सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है, एक प्रयास है हमारा कि जिला स्तर पे जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना और जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाना। उसके बाद काम हो जाएगा, जब वो जो स्वस्थ हो जाएगा उसे वो वापस लेके किसी और दूसरे व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड है उसको हम दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ये ऑक्सीजन बैंक हमने प्रशासन यहाँ पर स्थापित किया।